यूजीसी नेट में पहले बहुत ही ज़्यादा कम कंपटीशन होता था। अगर बाद में देखा जाए तो कंपटीशन और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं फॉर दी जून 2020 एग्जामिनेशन फॉर यूजीसी नेट, दिस इज़ दी एग्जैक्ट राइट टाइम। तो आप लोग को अभी शुरुआत करनी चाहिए। तो अगर आप लोग सोच रहे हो तो बहुत ही अच्छा सोच रहे हो, बहुत ही बड़ा सोच रहे हो। सो लेट्स गेट इन द वीडियो एंड टॉक अबाउट इट इन क्वाइट डिटेल। एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल पेजेस पर साक्षी पटेल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि मेरी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। दूसरी बात यह है कि अ वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस जितने भी लोगों का जेआरएफ में हो गया मेरे वीडियो के थ्रू। आई एम सो ग्लैड कि आप लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, आप लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हो और काफ़ी अच्छा लग रहा है आप लोग के मैसेजेस पढ़ के। सो अ वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब मैं बात करने वाली हूँ नए बैच के बारे में, क्रैश कोर्स फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, देखो जो भी चीज़ आपने अभी तक सोचा और इधर उधर की बातें की, लोगों से एडवाइसेस ली, सबको भूल जाओ। ओके, अभी सिर्फ एक डायरेक्शन में काम करना है और वो डायरेक्शन होगा, सबसे पहले आपको सिलेबस को प्रिंट आउट कराना है। मोबाइल में रख के सिलेबस कोई काम का नहीं है। तो आपको सबसे पहले सिलेबस को प्रिंट आउट करवाना है। कम से कम 10 पेज का जो है ये आपका सिलेबस है एग्जैक्टली फॉर पेपर 2, ठीक है, और 10 पेज का फिर से सिलेबस है वो पेपर 1। तो टोटल 20 पेज का जो सिलेबस है, मैं डरा नहीं रही हूँ, इस चीज़ को आपको प्रिंट आउट करके रखना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि मैं सोशियोलॉजी पढ़ाती हूँ, ओके, और जो पेपर 1 है उसको मैं थोड़ी बहुत गाइडेंस देती हूँ, लेकिन एग्जैक्टली मैं सोशियोलॉजी आप लोगों को पढ़ाती हूँ। तो जहाँ तक कि पेपर 1 की बात की जाए तो मैंने बहुत सारे क्रैश कोर्सेज बनाए हैं प्लेलिस्ट में। तो सबसे पहले जा करके आप अपना पेपर 1 को कंप्लीट कर लो, ठीक है। फिर उसमें सिर्फ आपको एक ही चीज़ करना है, वो है टेस्ट सीरीज़ देना है। तो अगर आप ऑनलाइन पेपर खरीद सकते हो, कोई भी रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पर जाके आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ के जो पेपर्स हैं वो खरीद के ले आएँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डाउनलोड कर ले या फिर अमेजोन से खरीद ले, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले एक चीज़ को तो आपको पूरी तरीके से निपटा लेना है, ओके, दैट इज़ पेपर 1, क्योंकि पेपर 1 जो है ये क्वालिफाइंग होता है। तो आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग, अगर सोशियोलॉजी की बात की जाए या फिर कोई भी, ठीक है, मान लो आप इंग्लिश के स्टूडेंट होगे, हिस्ट्री के स्टूडेंट होगे, किसी भी चीज़ के स्टूडेंट होगे, तो आपको एग्जैक्टली क्या करना है। अगर सोशियोलॉजी के हो तो अन अकेडमी एक लर्निंग ऐप है, वहाँ पर जाकर आप मेरे को सर्च कर सकते हो। अगर आपको वो ऐप नहीं मिल रहा है प्ले स्टोर में तो गूगल पे मेरा नाम लिखिए, दैट इज साक्षी पटेल, सामने में अन अकेडमी ज़रूर लिख देना ताकि मेरी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी, अदरवाइज आप मेरे यूट्यूब के लिंक पर आ जाओगे, ओके। तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी, वहाँ पर जाके जितने भी कोर्सेज हैं रिलेटेड टू सोशियोलॉजी सब पढ़ लो, ओके। नेक्स्ट थिंग, YouTube पे प्लेलिस्ट पे जैसे ही आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सोशियोलॉजी की बहुत वीडियोस मिलेंगी, आपको वो चीज़ एक बार कवर कर लेना है। अगर आप सोचोगे कितने दिन में कवर कर लोगे, तो अगर लगातार पढ़ोगे तो एटलीस्ट 1 मंथ में आप पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म कर लोगे सोशियोलॉजी का। उसके बाद आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना है, दैट इज़ MCQ। दिस इज़ द की टू सक्सेस फॉर UGC नेट JRF। अगर आपको UGC नेट JRF निकालना है, दैट मीन्स यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नो मैटर वॉट। क्योंकि देखो, जितनी भी चीज़ें हैं जो कि आप बोलोगे कि आसमान के नीचे कवर होती है, वो सारी चीज़ें UGC नेट में पूछ ली जाती है। इसका कोई एग्जैक्ट सिलेबस नहीं होता है, ठीक है, कुछ भी चीज़ पूछा जा सकता है। एंड सोशियोलॉजी की अगर स्टूडेंट हो, दैट मीन्स सोसाइटी से रिलेटेड कुछ भी चीज़ पूछा जा सकता है। तो जितना ज़्यादा MCQ सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा आप अच्छे से कॉन्फिडेंस फील करोगे, ओके। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट, इसमें आजकल स्टैटिक पोर्शन तो आता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो करंट अफेयर्स हैं वो भी बहुत पूछे जाते हैं। अब लोगों का कहना है कि करंट अफेयर्स कैसे कवर करें, तो डेली सुबह 10:30 आपको न्यूज़ आता है, आधे घंटे का न्यूज़ आता है, उसको आपको देखना पड़ेगा। और कोई भी एक आपका रीजनल पेपर, ठीक है, कोई भी दैनिक भास्कर हो या फिर वॉट एवर न्यूज़ पेपर डू यू रीड, ठीक है, चाहे इंग्लिश हो तो इंग्लिश में आप हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ सकते हो, द हिंदूज पढ़ सकते हो, ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, ओके, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो, आपको जो कंफर्टेबल हो उस न्यूज़पेपर को पढ़े। और आपको 4 चीज़ें कवर करनी है, पॉलिसीज़ अगर एजुकेशन से निकलती है, चाइल्ड से निकलती है, ठीक है, आइदर वुमेन से निकलती है, वुमेन्स के छोड़ एक और चीज़ से, जैसे कि पॉवर्टी, इससे चीज़ से अगर निकलती है तो सारी चीज़ को आप कवर कर सकते हैं सही तरीके से। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। तो ये रही आपकी करंट अफेयर्स से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व कर दी, और एग्जैक्टली यही कुछ था। हाँ, आखिरी चीज़, एक्चुअली ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख रखी है, तो मैं आपको बता दूँ कि
आपको डेडलाइन सेट करना है. अगर आप डेडलाइन सेट नहीं करोगे तो आप चाहे कितनी भी कोशिश करो आप नहीं पढ़ पाओगे. सो दिस इज द की टू सक्सेस आई गेस. यही था क्रैश कोर्स जो मैंने आपको बता दिया. आपको एग्जैक्टली क्या क्या करना है ये मैंने बताया. जो भी बुक्स रिलेटेड डाउट्स है कि कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़ना चाहिए आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं. पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए मैं आपको बिल्कुल बता दूंगी. ओके सो थैंक यू सो मच. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड ईच एंड एवरी सिंगल टाइम आई विल बी ऑनलाइन. यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू दैट इज पेजेस by Sakshi. And yeah, this is all about it and see you bye-bye in the next video.